गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास 7 सोशल स्टडीज लेसन 2 पार्ट पर। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, इससे पहले वाले पार्ट में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इनके टॉपिक्स के ऊपर आएंगे कि इसमें हमने किन बातों का अध्ययन किया है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस लेसन में लोकतांत्रिक सरकार के कार्य, स्वास्थ्य की परंपरागत अवधारणा, स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा, भारत में कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं, रंजित का निजी अस्पताल का अनुभव और अमन का सरकारी अस्पताल का अनुभव, इन सब बातों के बारे में अध्ययन किया है। लेकिन अब हम अपने मुख्य जो निष्कर्ष है इस चैप्टर का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्हें आप इसके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है लोकतंत्र में लोगों की सरकार से क्या अपेक्षाएं रहती हैं। सरकार उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करे। सरकार उनके लिए गृह निर्माण और सड़कों का निर्माण करे। सरकार उनके लिए बिजली पानी की व्यवस्था करे। सरकार उनकी रक्षा करे। लोगों की सरकार से, लोकतांत्रिक सरकार से यही एक अपेक्षा होती है। बीमारी और चोट के अतिरिक्त कौन से कारण हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं? तो कहने का भाव यह है कि दूषित पेयजल, प्रदूषित पर्यावरण, कुपोषण, घुटन भरा वातावरण, ये सभी हमारी बीमारी और चोट के अतिरिक्त ही ऐसी है जिनके कारण हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, भारत में स्वास्थ्य सुविधा के विकास की कुछ विशेषताएं। भारत में सबसे अधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। भारत में हर साल लगभग 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सक पर्यटक आते हैं। भारत विश्व का दवाइयों निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है। इसके बाद आता है अमन को सरकारी अस्पताल में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अमन को सरकारी अस्पताल में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे ओपीडी काउंटर पर एक लंबी लाइन में लगना पड़ा। उसे खून की जांच कराने के लिए भी एक लंबी लाइन में लगना पड़ा। उसे खून की जांच के नमूने 3 दिन बाद मिले। खून के नमूने लेकर उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए फिर से लाइन में लगना पड़ा। सार्वजनिक अस्पताल की सेवाओं की मुख्य विशेषताएं क्या है? ये सेवाएं देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सुविधा प्रदान करती हैं। ये सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं। इन पर सरकारी नियंत्रण होता है। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। नेक्स्ट आता है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं की विकास की मुख्य विशेषता, यानी स्वास्थ्य सेवाओं की विकास की क्या विशेषताएं हैं। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और यहां सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। हर वर्ष लगभग 15,000 डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में बहुत वृद्धि हुई है। सन 1950 में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज करवाने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। ये उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जा सकती है। भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य तुलना रूप से अच्छी नहीं है, इसके लिए उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ग्रामीण वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष
कि पैदिक टीबी से मर जाते हैं प्रतिवर्ष हर साल। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरों को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस बी। भारत में समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। आज के लिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी बात क्लियर नहीं हुई